महान सम्राट अशोक ने 260 ईसा पूर्व में उरुवेला का दौरा किया था, जिसको कि वर्तमान में बोधगया के नाम से जाना जाता है, जहां उन्होंने मंदिर बनवाया था जिसका वर्तमान समय में इसका नाम महाबोधि मंदिर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आकाश और वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश की जर्नी पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बिहार की शान और पर्यटन की सबसे प्रसिद्ध स्थल बोधगया के इतिहास और महत्व को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आपको मिलने वाली है आज की वीडियो में। बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर गया जिले में एक बौद्ध तीर्थ स्थल है बोधगया। बोधगया का प्राचीन नाम उरुवेला, समबोधि, वज्रासन या महाबोधि के नाम से भी जाना जाता था, जो कि निरंजना नदी जिसका वर्तमान नाम फल्गु नदी है उसी के तट पर स्थित है। बोधगया टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या है शामिल है, बेसिकली यहाँ पर महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उससे रिलेटेड है। 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म बैसाखी पूर्णिमा की रात राजा सुद्धोधन के यहाँ हुआ था। जब इनका जन्म हुआ था तो इनका नाम रखा गया था राजकुमार सिद्धार्थ। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में पत्नी यशोधरा और उनके पुत्र राहुल तथा संपूर्ण सांसारिक संपत्ति को त्याग दिया था और शाश्वत सत्य की खोज में दूर दूर तक यात्रा की। अंततः इनको बोधि वृक्ष के नीचे कठिन तपस्या करने के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ गया सिद्धार्थ से। गौतम बुद्ध ने वासना, घृणा और भ्रम से मुक्त किया अपने आप को और इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया। आप इनको ज्ञान प्राप्त करना बोल सकते हो या फिर बुद्धत्व बोल सकते हो। इन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की, ज्ञान प्राप्त करने को ही बुद्धत्व बोला जाता है, तो बुद्धत्व की इन्होंने प्राप्ति की। दोस्तों आपको बता दें कि जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था ना, वह वृक्ष आज के डेट में प्रसिद्ध बोधि वृक्ष है। क्या आपको पता है जो महाबोधि मंदिर है उसको महान जागृति मंदिर भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध जो है भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे। सम्राट अशोक स्वयं उनके बड़े शिष्यों में से एक थे और उन्होंने प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था। अभी आज के डेट में जो आप महाबोधि टेम्पल जहाँ घूमने जाते हो, देखने जाते हो ना, वो सम्राट अशोक ने कराया था उसका निर्माण। 13वीं सदी के आसपास बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया गया था जिनमें से ये भी एक था, लेकिन राजनीतिक उथल पुथल के कारण यह शहर जो है सदियों तक अविकसित रहा था। यह इसका विस्तार जो है क्रूर तुर्की सम्राटों के हाथ में चला गया था और उन्होंने आक्रमण करके शहर में तोड़फोड़ कर दी थी। बाद में ब्रिटिश शासन के बाद शहर को पुनः उसके शुद्ध पवित्र रूप में बहाल कर दिया गया और आज के डेट में जो दिख रहा है आपको ये हमेशा से नहीं था, यहाँ भी बहुत सारे हमले हुए थे। बोधगया मंदिर जो है 4.8 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है और 55 मीटर लंबा है। सम्राट अशोक ने 260 ईसा पूर्व में बोधगया के दौरे पर गए थे, जब उस दौरान उन्होंने एक पेड़ से एक छोटे से मंदिर का निर्माण किया था, वो पेड़ जो था बोधि वृक्ष था। यहाँ पर भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा भी है जो कि भारत की सबसे ऊंची बौद्ध प्रतिमा कही जाती है। इस प्रतिमा को 1989 में 14वें दलाई लामा से स्थापित किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि फाल्गु नदी जिसका प्राचीन नाम निरंजना नदी है, उसके तट पर दिवंगत आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए तथा अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार करने के लिए आमतौर पर लोगों की भीड़ लगी होती है और नदी की अत्यधिक पूजा होती है। दोस्तों भगवान बुद्ध अक्सर फल्गु नदी के तट पर ही ध्यान किया करते थे। क्या आपको पता है यह मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित किया गया था। इसमें भगवान विष्णु के 40 सेंटीमीटर लंबे पदचिन्ह है जो चांदी की प्लेट से बने बेसिन से घिरा हुआ है। यह पदचिन्ह जो है भगवान विष्णु द्वारा गयासुर की छाती पर अपने पैर रखकर गयासुर को वश में करने के कार्य को दर्शाता है। मंदिर प्रांगण के भीतर जाने पर दूसरे भी मंदिर स्थित है जो कि भगवान नरसिंह को समर्पित है और दूसरा जो है फाल्गेश्वर रूप में भगवान शिव को, महादेव को समर्पित है। यह मंदिर हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा स्थल है और यहाँ पर जो एक लोकप्रिय मुंडचिला झील है जो कि भगवान बुद्ध को नाग राजा मुंडचिला ने तूफान से बचाया था, तब से यहाँ पर मुंडचिला झील का निर्माण हो गया था। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को ये नॉलेज, और अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही आकाश की जर्नी को सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।